नमस्कार विभाकर चोगले जी। इस मुजरिम को गौर से देखो और बतलाओ कि मकतूल बिल्ला का कत्ल होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था। वकील साहब एक गिलास पानी मिलेगा, मेरा गला सूख रहा है। आपका क्या सूख रहा है? गला सूख रहा है। पानी प्लीज। अब बतलाओ इस मुल्जिम को मकतूल बिल्ला का कत्ल करते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब एक सोडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चोगले के गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही। सोडा प्लीज। अब बतलाओ जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस मंजर को तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं ऊंचा सुनता हूँ। जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस वक्त तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। यही यही बोलने के लिए तुम यहाँ पर आए थे? हाँ यही बोलने के लिए आया था। आप जा सकते हैं, जाइए। जरा आज अदालत में विश्वा जिस हिम्मत और यकीन के साथ जवाब दे रहा था उससे तो लगता है कि उसे विश्वास हो गया कि कोई इसके खिलाफ गवाही दे ही नहीं सकता और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसी मनुष्य टाइप की बातें मुंह से मत निकालिए। अगर वो कैद से बरी हो जाएगा तो हम लोग तो जिंदगी की कैद से बरी हो जाएंगे। जिस टाइप से उसने बिल्ला का कत्ल किया है ना, ठीक उसी टाइप से हम सबको बिल्ली समझ के हमारा भी कत्ल कर देगा। बंद कर अपनी घटिया और बेहुदा बकवास। टक्कर से टक्कर लेने में पहाड़ों को पसीना आ जाता है तो यह किस देखची का मसाला है? रास्ता पार करते हुए कुत्तों को जैसे लारी कुचल के निकल जाती है उसी तरह कुचलवा के रख दूंगा इस बिना दांत के कुत्ते को। अगर वो रास्ता पार ही नहीं करेगा तो आप उसे कैसे कुचलवा देंगे, वो तो जेल में है। शेरा किसे मारना है? अपना वो हवलदार जग्गा उसी जेल में ड्यूटी पर है ना? हाँ। विश्वा? विश्वा नहीं, विश्व प्रताप के ये जेलर साहब। विश्व प्रताप, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो, गरीबों के दुख दर्द में काम आते हो और बस्ती के तमाम गरीब तुम्हें फरिश्ता कहते हैं। कातिल हूं ये सुना नहीं आपने? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शक है कि तुम्हें बिलावजह गिरफ्तार किया गया है और जो अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है वो उसकी ताजा मिसाल है। विश्व प्रताप अगर वाकई तुम बेगुनाह हो तो सच्चाई क्या है मुझे बताओ, जो कुछ मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूंगा। मेरी कहानी सुनकर आप मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? बेशक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर सुनिए, मैं ठक्कर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक सिकंदर लाल ठक्कर के वहां लॉरी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था।